हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 2B, डिवाइड योर स्क्रीन इनटू 4 रीजन, ड्रॉ सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स एंड हाफ इलिप्स इन ईच रीजन। इस प्रैक्टिकल में हमें कंप्यूटर स्क्रीन को 4 रीजन्स में डिवाइड करना है और हर एक रीजन में एक शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंप्यूटर स्क्रीन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कि हर एक रीजन में हम शेप को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमें कंप्यूटर स्क्रीन को 4 रीजन में डिवाइड करना है तो हम सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। प्रीवियस जो हमारा प्रैक्टिकल था उसमें हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया था, तो सेम उसी तरीके से इस प्रैक्टिकल में भी हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन है वो 4 रीजन में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो 4 लाइंस हमने लिखे हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए ही हैं। हमें 2 लाइंस ड्रॉ करने होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जिससे कि हमारी जो स्क्रीन है वो 4 रीजन्स में डिवाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है कि हमें हर एक रीजन में एक शेप ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। इस तरह का आउटपुट हमें चाहिए है, तो हमने यहाँ पे बना लिया है कि किस तरह का आउटपुट हमें चाहिए है। फिर उस हिसाब से हम उसकी कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सर्कल। तो सर्कल जब हम बनाते हैं तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो ये पॉइंट हम सेंटर ले लेते हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा वो हमें पता होना चाहिए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स सेंटर डिवाइड बाय 2, और इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई सेंटर डिवाइड बाय 2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, मतलब जो सर्कल हम ड्रॉ करने वाले हैं उसका जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स सेंटर डिवाइड बाय 2 कॉमा वाई सेंटर डिवाइड बाय 2। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो फुल लाइन है, फुल एक्स एक्सिस है, उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो एक्स मैक्स है। उसको हमने हाफ में जब डिवाइड किया तो एक्स सेंटर मिला, और उसे भी हमें हाफ में डिवाइड करना है तभी हम सेंटर में सर्कल बना पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स सेंटर डिवाइड बाय 2। सिमिलरली जो सेंटर है वो हमें बीच में बनाना है, तो वाई सेंटर जो है वो वाई मैक्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और उसका भी हमें सेंटर लेना है, मतलब वाई सेंटर डिवाइड बाय 2। तो ये इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद हमें देना होता है रेडियस। तो रेडियस जो है वो हम यहाँ पे 50 ले रहे हैं, तो इससे हमारा जो सर्कल है वो एक एप्रोप्रिएट साइज का बन जाएगा। तो सर्कल का जो फंक्शन है उसमें हमें 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो है वो है एक्स सेंटर डिवाइड बाय 2 कॉमा वाई सेंटर डिवाइड बाय 2 कॉमा रेडियस हमने 50 लिया हुआ है। तो इस तरीके से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट शेप हमें बनाना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए ये 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल फंक्शन जो होता है, अगर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसमें हमें टॉप लेफ्ट पॉइंट चाहिए होता है और बॉटम राइट के पॉइंट चाहिए होता है, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमें डिसाइड करने हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो जो सबसे पहले टॉप लेफ्ट का हमें पॉइंट दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट हमें लेने हैं। तो इस पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब ये हमें अज्यूम ही करना है, मतलब थोड़ा एडजस्ट करते हुए ऐसे पॉइंट लेने हैं कि ओवरलैपिंग ना हो। थोड़ा हमारा अगर पॉइंट एग्जैक्ट नहीं भी है तो ये जो रेक्टेंगल है ये थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, पर इससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। पर हम अप्रोक्सीमेट ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिससे कि ये अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना है। तो इस पॉइंट पे हम x की वैल्यू ले रहे हैं x सेंटर प्लस 50, क्योंकि ये जो ब्लू डॉट है यहाँ पे x की वैल्यू है x सेंटर, तो हम इसको और 50
50 इसमें बढ़ा देते हैं क्योंकि x सेंटर से ही बनाएंगे तो फिर ये लाइन से टच हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा इसको राइट में शिफ्ट करना है, तो हमने लिख लिया है x सेंटर प्लस 50, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा। हम चाहे तो इसको x सेंटर प्लस 60, 70, 80 कुछ भी दे सकते हैं, उतना ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, पर 50 यहाँ पे ठीक है क्योंकि इतना स्पेस हम यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं, तो हमने लिया है x सेंटर प्लस 50। उसी तरीके से इस पॉइंट का अगर हम y कोऑर्डिनेट देखें तो y कोऑर्डिनेट इसका होगा y सेंटर माइनस 200, ये हमने लिया है y सेंटर माइनस 200 क्योंकि y सेंटर तो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू पॉइंट है और अब हम ऊपर जा रहे हैं और जितना हम ऊपर जाएंगे y की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है क्योंकि जितना हम नीचे जाते हैं डाउन साइड में y मैक्सिमम होता है और y सेंटर से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू और कम होती जाएगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे 200 और कम कर ले रहे हैं, तो 200 और कम किया है हमने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x सेंटर प्लस 50, y सेंटर माइनस 200। अब सेकेंड पॉइंट जो हमारा है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x सेंटर प्लस 200, इतनी बड़ा रेक्टेंगल हम बना रहे हैं तो प्लस 200 हमने ले लिया क्योंकि इस साइड का जो पॉइंट है उसमें हमने x सेंटर प्लस 50 लिया था, तो अब यहाँ पे हमने x सेंटर प्लस 200 ले लिया है। हम इसको 170, 180 कोई भी नंबर दे सकते हैं तो भी रेक्टेंगल बन जाएगा। उसके बाद हमें y कोऑर्डिनेट देना है, तो y कोऑर्डिनेट इसका होगा y सेंटर माइनस 50 क्योंकि y सेंटर तो ये ब्लू वाला पॉइंट है, अब इसके थोड़े से ऊपर हमें बनाना है तो हम माइनस कर देते हैं 50 को। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम y सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज कम होती जाएंगी, इसीलिए माइनस में हम लिख रहे हैं, जबकि जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वैल्यूज इंक्रीज होंगी तो हमें प्लस लिखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x सेंटर प्लस 200 कॉमा y सेंटर माइनस 50, तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है उसमें हमें इलिप्स बनाना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इलिप्स का सेंटर हम क्या रखें, तो इलिप्स का सेंटर तो हम वही रख लेते हैं जो हमने ऊपर सर्कल का सेंटर रखा, जिससे कि ये एग्जैक्टली इसके नीचे बन जाएगा, तो इलिप्स का हम सेंटर वही रखेंगे सेम, पर इसकी रेडियस में चेंज आएगा और हम पढ़ चुके हैं कि इलिप्स बनाते समय हमें एक्स रेडियस और वाई रेडियस देनी होती है, तो यहाँ पे हम एक्स रेडियस दे रहे हैं 100 और y रेडियस हम दे रहे हैं 50। तो अब इलिप्स फंक्शन का यूज करते हुए हम इस तरह से इलिप्स ड्रॉ कर लेंगे और क्योंकि हमें फुल इलिप्स बनाना है तो स्टार्टिंग एंगल रहेगा 0, एंडिंग एंगल रहेगा 360 और एक एप्रोप्रिएट साइज का इलिप्स बनाने के लिए इसकी जो x रेडियस हमने ली है वो ली है 100 और y रेडियस ली है 50 और कोऑर्डिनेट्स जो हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वो हमने सेम रखे हैं जो ऊपर सर्कल के रखे हैं, जिससे कि ये एग्जैक्ट इसके नीचे बनेगा। अब लास्ट हमें आर्क ड्रॉ करनी है, तो आर्क जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इलिप्टिक आर्क है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम इलिप्स की हेल्प से ही देंगे, तो इलिप्स के जैसे हम कोऑर्डिनेट देते हैं सेम उसी तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे दिए। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x सेंटर प्लस x सेंटर डिवाइड बाय 2 कॉमा y सेंटर प्लस y सेंटर डिवाइड बाय 2, ये इस इलिप्स का जो सेंटर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और बाकी का जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर हमें इलिप्टिक आर्क बनानी है तो हमें स्टार्टिंग एंगल एंडिंग एंगल देना होता है, तो स्टार्ट हमने किया है 0 से और एंड हमने किया है 180 पे, तो इस तरह की एक आर्क बन जाएगी। तो जो मेन हमारा इलिप्स फंक्शन है वो सेम ही है, एक में हमने फुल इलिप्स बनाया इसी की हेल्प से और दूसरे में हमने आर्क बनाई। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक बार और देख लेते हैं कि कैसे हमने फाइंड किए हैं। ये जो सेंटर बना है इसमें x सेंटर में अगर हम ऐड कर दें x सेंटर डिवाइड बाय 2 और y सेंटर में अगर हम ऐड कर दें y सेंटर डिवाइड बाय 2 तो जो पोजीशन आएगी वो इस इलिप्स का सेंटर होगी। बाद में हमने स्टार्टिंग एंगल रखा है 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हम कर रहे हैं, एंडिंग एंगल हमने रखा है 180 क्योंकि इस तरह का आर्क हमें चाहिए।
इसका जो x एक्सिस का रेडियस है वो 100 है, y एक्सिस की रेडियस जो है वो 50 है, तो ये एग्जैक्टली इलिप्स की ही तरह बनेगा, बस ये हाफ इलिप्स बनेगा, एक आर्क की तरह का बनेगा। तो इस तरीके से हमने फोर रीजन में फोर अलग अलग शेप्स बना लिए हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो जो सेम कोडिंग है जो अभी हमने डिस्कस की कि किस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किया, एक अंदाज लगाना पड़ता है हमको कि कौन सा कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे आएगा, और थोड़ा बहुत प्लस माइनस हम इसमें कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही पॉइंट्स हमें लेने हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये पॉइंट्स जो है वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया उस तरीके से पहले हम ड्रॉ करके देख लेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, फिर उसके बाद ये कोडिंग जो है वो सेम हम लिख देते हैं टर्बो सी में, और उसके बाद हम इसे रन करके देखते हैं। तो कंट्रोल F9 या रन पे हम इसे क्लिक करके रन कर सकते हैं, तो इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट आउटपुट हमें मिला है, फोर रीजन में हमारी स्क्रीन डिवाइड हो गई है और हर एक रीजन में हमें एक शेप मिला है। फोर्थ रीजन में जो हमने आर्क बनाई है, ये इलिप्टिक आर्क बनाई है, हम चाहें तो इसकी जगह नॉर्मल आर्क भी बना सकते हैं, और इस तरह से हर एक रीजन में हमने एक एक शेप डिस्प्ले करा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।